नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि किस तरीके से हम अपना इंटर स्काडा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करके और एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट विंडो जब हम ऑपरेट करते हैं वो है हमारा विंडो मेकर। इस विंडो मेकर में हमें प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना होगा। उस चीज को बनाने के लिए हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें फर्स्ट फाइल पे जाके न्यू विंडो क्रिएट करना होगा और एक विंडो का नाम देना होगा। लेट सपोज डे वन, और यहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीट नेम दे सकते हैं। लेट सपोज स्काडा वन, और यहाँ पे जो हम विंडो क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरीके की विंडो होनी चाहिए, रिप्लेस विंडो होनी चाहिए, ओवरले विंडो होनी चाहिए या पॉपअप विंडो होनी चाहिए। ये तीन तरीके के विंडोज हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होगा कि जब एक विंडो ओपन है, अगर हम दूसरी विंडो ओपन करते हैं स्काडा की, तो जो फर्स्ट विंडो है उसकी जगह हम दूसरी विंडो को रिप्लेस कर सकते हैं। ओवरले विंडो का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पहले से ही विंडो क्रिएटेड है और जब हम दूसरी विंडो क्रिएट करते हैं तो जस्ट जो दूसरी विंडो उसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। पॉपअप जो विंडो है उसका मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड एक विंडो है, जब दूसरी विंडो ओपन होगी तो जस्ट वो फ्लैश करके ओपन होगी, उसको हम बोलते हैं पॉपअप विंडो। नेक्स्ट है फ्रेम। फ्रेम का मतलब है कि जैसे हम किसी को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, किसी भी स्क्रीन जो हमने क्रिएट की है स्काडा में, अगर उसकी हाइट और विड्थ को हम इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो फ्रेम स्टाइल्स के अंदर आता है, टाइटल बार एंड साइज कंट्रोल। और यहाँ से हम अपना लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कितनी बड़ी स्क्रीन हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, और यहाँ से हम कलर डिफाइन कर सकते हैं उस स्क्रीन का कि बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर हमें स्क्रीन पे चाहिए। लेट सपोज ओके करते हैं, तो ये जो है ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन बन गई। ये जो स्क्रीन है ये हमारी रिप्लेस स्क्रीन है, और इसका साइज कंट्रोल हम यहां से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल बार अगर अनक्लिक करते हैं तो यहां से ये जो टाइटल है ये गायब हो जाएगा, और इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें टाइटल बार रखना है और साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, देन हम वहां पे प्रॉपर्टीज पे जाके टाइटल बार और साइज को अनकंट्रोल कर देंगे, अनक्लिक करेंगे, देन हम इसके अंदर इसका साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। ये एक डिफॉल्ट विंडो बन गई है, अब इसका साइज हम चेंज यहां से नहीं कर सकते। ओके, लेट सपोज एक और विंडो हम क्रिएट करते हैं स्काडा 2, और उसमें विंडो टाइप ओवरले करते हैं। तो ओवरले में चेक करते हैं, तो ओवरले में क्या हुआ, जो हमारी फर्स्ट विंडो ओपन थी स्काडा 1, जस्ट उसी के रिप्लेसमेंट में स्काडा 2 आ गई, दूसरे विंडो उसने उसको सुपर इम्पोज कर दिया। तो ये है ओवरले विंडो। थर्ड है पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो यहां पे ये काम करेगा कि अगर कहीं पे मेरा स्काडा के अंदर कोई फॉल्ट जनरेट होता है या कोई अलार्म जनरेट होता है, तब हमें एक स्क्रीन को पॉपअप करना है, तो उस कंडीशन पे हम उस स्क्रीन का जो प्रॉपर्टी होगा वो हम प्रॉपर्टी में जाके पॉपअप करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन विंडोज हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं स्काडा के अंदर, रिप्लेस, ओवरले एंड पॉप।
इसके अलावा जो विंडो मेकर है इसमें हमें फाइल में न्यू विंडो, ओपन विंडो, सेव विंडो, क्लोज विंडो, दैट मीन्स कि अगर कोई नई फाइल बनानी है तो हम डायरेक्टली न्यू विंडो पे जाके बना सकते हैं। ओपन विंडो है कि अगर हमारे पास कोई पहले से डिफाइंड विंडोज है अगर उसको ओपन करना है तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव अगर करना है विंडो को, क्लोज करना है, जैसे ये ओपन है अगर हमें इस विंडो को क्लोज करना है तो डायरेक्टली हम इसको क्लोज कर सकते हैं। प्रिंट अगर मुझे इस विंडो का लेना है तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इस विंडो के अंदर जो जो हमने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है। एडिट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमें किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है उसको एडिट करना है। व्यू में ये आइकन्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास जनरल टूल बार, दैट मीन्स ये हमारा जनरल टूल बार है। जनरल टूल बार जिसके अंदर हमें प्री डिफाइंड विंडोज के बारे में पता चलता है, जो हमने यहाँ देखा था वही चीज हम व्यू पे जाके जनरल टूल बार से भी हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइकन है विजार्ड्स एंड एक्टिव टूल बार, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये है विजार्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेट टूल बार, अगर किसी तरीके का फॉर्मेट्स अगर हमको रखना है तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं कि जो अल्फाबेट्स है या फिलिंग की प्रॉपर्टी है, लाइन कलर्स हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल मीन्स कि अगर हमें किसी भी तरीके की यहाँ ड्राइंग क्रिएट करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली जो ड्राइंग टूल्स हैं वो हमारे इस तरीके से हमें नजर आएंगे, ये सारे हमारे ड्राइंग टूल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है व्यू टूल बार, व्यू टूल बार में हमें किस तरीके का व्यू देखना है, क्लासिक व्यू देखना है या प्रोजेक्ट व्यू देखना है या फुल स्क्रीन पे देखना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं व्यू टूल बार। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अरेंज टूल बार, जो ये अरेंजमेंट है हमारे पास किस तरीके से हमें अपने स्क्रीन्स को वेरीफाई करना है, अरेंज करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं इन आइकन्स के थ्रू। पैन एंड जूम, अगर हमें स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना है तो वो हम यहाँ से जूम पैनल से कर सकते हैं कि कितनी बड़ी स्क्रीन हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए वो हम यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार, स्टेटस बार मींस जो हमें यहां दिख रहा है उसको अगर देखना है तो हम यहां से उसको क्लिक और अनक्लिक कर सकते हैं। नीचे जो ये स्टेटस बार आ रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसको व्यू करने के लिए हम यहां से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूलर, रूलर का मतलब होगा कि जो स्क्रीन हमने क्रिएट की है उसके अराउंड अगर हमें कोई स्केल ड्रॉ करना है देन हम यहाँ पे रूलर पे क्लिक कर सकते हैं तो एक स्केल डिफाइंड हो जाएगा अब स्काडा स्क्रीन के चारों तरफ, तो हम यहाँ से इजीली अपना स्केलिंग कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट है क्लासिक एंड प्रोजेक्ट व्यू, अगेन यहाँ से भी हम कर सकते हैं क्लासिक और प्रोजेक्ट व्यू, और यहाँ से भी हम अपना प्रोजेक्ट व्यू कर सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन को मुझे हाइड करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से हाइड करा सकते हैं प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट है अरेंजमेंट टेक्स्ट, अगर कोई भी टेक्स्ट अगर हमें लिखना है तो उसका फॉन्ट साइज क्या होगा और उसका जो स्टाइल है लिखने का वो किस तरीके से होगा, क्या साइज होना चाहिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। लाइंस, अब जो हम बाय डिफॉल्ट लाइन ड्रॉ करेंगे अगर स्काडा स्क्रीन पे तो वो किस तरीके की दिखनी चाहिए, अगर उसकी विड्थ अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज करनी है या फॉर्मेट अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं।
स्पेशल पे हमें अदर प्रॉपर्टीज मिलती है स्काडा के अंदर, कि अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह का इस्तेमाल करना है, कोई टैक्स वगैरह क्रिएट करने हैं, कुछ कॉन्फ़िगर करना है, एप्लीकेशन किस तरीके की बनानी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ में हमारे पास जितने भी विंडोज़ बनी होंगी वो सारी शो हो जाएंगी यहाँ पे। जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने यहाँ पे ओपन हुई है, ये है विंडो मेकर स्क्रीन। इस विंडो के अंदर जो ये डॉट्स शो हो रहे हैं, एक तरीके का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम माउस को लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन मूव करते हैं तो बॉटम साइड में हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो। तो बेसिकली जो सारा सिस्टम है वो एक जीयूआई सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम है, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट एक मिलता है, जिसके थ्रू हम कोई भी सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देते टाइम अपना जो वैल्यूज वो वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर विंडोज स्क्रिप्ट एंड टूल्स ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर हमें फुल स्क्रीन चाहिए तो हम डायरेक्टली इसको कट करके फुल स्क्रीन भी यहाँ से अपना ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये है हमारा विंडो मेकर, जहाँ पे हम अपना कोई भी एनिमेशन को प्रिपेयर करेंगे, जो कि एक तरीके का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ से हम अपना डिफरेंट तरीके का जो एनिमेशन है, फैक्ट्री इनपुट आउटपुट जो हम रियल टाइम में देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे एनिमेशन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और उनको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।